तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा था, टेरर और गब्बर प्लान बनाते हैं क्वीन को मारने का, और वो फैरो के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम देते हैं। एवलांचे के पास कैसे भी करके क्वीन को पहुंचाते हैं और एवलांचे पावर से उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि क्वीन उनके बीच में आ रही थी, उनके उनको बदला लेना था एवलांचे और फैरो को। और इसके बाद जो है ब्लड ड्रेवन, वो बाबा जी के साथ मिल जाता है, उसको भी अपनी पावर्स बढ़वानी है, तो वो एक्सूट गैंग ज्वाइन कर लेता है। इसके साथ ही काला दी गैंगस्टर और अर्बन स्कैंजर यानी अपना सनी देओल, वो लोग यहाँ पे सैनोक में ब्लड ड्रेवन को ढूंढते हैं, और वहाँ पे रेंगले में मजेस्टिक गोड की एंट्री हो जाती है। मीरामार में फ्लेम डेविल जो रियल वाला है, वो जाट के साथ मिलके अपना एक अवतार में आ जाता है, जो कि होता है फ्लेम डेविल का रियल वाला। तो आप सभी को ये पता नहीं होगा, तो अभी मैंने बता दिया। तो चलो आगे देखते हैं अभी क्या होता है आज की वीडियो में। अभी आप लोगों को मैं बता दूं, मैं वो पुराना जाट और फ्लेम डेविल नहीं रहा, अभी आ चुका हूं मैं रियल फ्लेम डेविल के अवतार में। पहले वो तो बस सूट और ड्रेस ही थी, लेकिन अब मैं अपने अल्टीमेट रूप में आ चुका हूं। मजेस्टिक गॉड यहां पे क्यों आया है पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि वो तभी आ सकता था जब कुछ बड़ा होने वाला हो, या फिर वो मुझे मारने ही आया होगा। जाकर जाट के भाई टेक्नो को भेजता हूँ ये पता लगाने, वो जाकर पता कर लेगा उसकी लोकेशन पता करके कि वो क्या करने आया यहाँ पे। टेक्नो, मैं आ चुका हूँ। फ्लेम डेविल बॉस, आ गए आप? इसका मतलब मजेस्टिक गॉड भी आ चुका है, क्योंकि आपके आने से तो अब वो आपको मारने जरूर आएगा। उसका पता ही तो लगाना है ना तुझे, उनकी लोकेशन देख, वो कहाँ मिल सकता है हैक करके, फिर उसको हराना भी तो पड़ेगा ना अपनी आर्मी बुलाकर। वैसे जाट का अच्छा यूज किया तूने, मेरी ड्रेस टेस्ट करता रहा वो इतने दिनों से, मजा आ गया, बहुत बढ़िया सही से काम किया है तूने। अरे बहुत सीक्रेट बात है ये, ज्यादा फैलाओ मत, मैं काम पर लग जाता हूँ। कुछ अपनी गैंग के बंदों को लेकर जाता हूँ उसकी लोकेशन पता करके, और देख कर आता हूँ कि क्या सीन चल रहा है उसका। हाँ हाँ जा जल्दी से। अरे मैजेस्टिक गॉड, तो क्या लगता है आपको, आप कब तक रुकने वाले हो उसको यहाँ रहने के बाद, क्योंकि वो जाट आपके सामने नहीं टिकने वाला, एक फाइट में मर जाएगा। पहले तो तू ये बता, ये जाट कौन है? मैं यहाँ फ्लेम डेविल को मारने आया हूँ, ना कि तेरे किसी जाट वाट को। अरे जाट ही तो फ्लेम डेविल है। अबे वो कोई और होगा, असली फ्लेम डेविल तो थोड़े दिन पहले पैरेलल यूनिवर्स से भाग कर आया है यहाँ। मेरी तो लड़ाई चल रही थी उसके साथ, फिर मैंने उस पर ऐसा हमला किया कि उसकी ड्रेस उड़कर कहीं और गिर गई, और वो नंगा का नंगा खड़ा रह गया मेरे सामने। हा। ऐसी बात है तो फिर वो जाट के पास फ्लेम डेविल की ड्रेस कैसे आई? कुछ तो गड़बड़ है बॉस, बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है ये, आपको पता नहीं है? अरे रुक रुक, मुझे लग रहा है कि कोई हमारे पे नजर रखे हुए हैं। मेरी पावर्स किसी और की नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर रही है यहाँ पे, कोई तो है हमारे आसपास। कौन है बे, जल्दी बाहर निकलो, कौन सुन रहा है हमारी बातें छुप छुप कर यहाँ पे? मैं हूँ मजेस्टिक गॉड, मैं ही देख रहा था, क्या करने आए हो तुम यहाँ पर मेरे बॉस फ्लेम डेविल के पीछे पीछे? वो तो तेरा बॉस ही बताएगा तुझे, वैसे तू कौन है? और मैं तो ये बात सोच सोच कर शौक हूँ कि फ्लेम डेविल का भी कोई चेला है। हा। ये चेला बहुत कुछ कर सकता है अगर तुमको पता नहीं हो तो, तुमको मारने में भी मेरा बहुत बड़ा हाथ होगा, देख लेना, जल्दी ही मिलेंगे फाइट में, फ्लेम डेविल वर्सेस मजेस्टिक गॉड, जिसमें फ्लेम डेविल ही विनर होगा। रुक, तेरे फ्लेम डेविल की तो भैंस की टैट। गुस्सा तो कसम से इतना आ रहा है ना कि तुझे भी मार दूं, पर नहीं नहीं क्यों मारूंगा तुझे, तू तो मेरे लेवल का भी नहीं है। जाकर बोल दे अपने फ्लेम डेविल को उसका काल मजेस्टिक गॉड आ चुका है, उल्टी गिनती शुरू कर दे अब अपनी, और चल निकल यहां से। बॉस, ये फ्लेम डेविल तो सच में कोई और है दूसरा, मैंने तो दूसरे को देखा था, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन बहुत हो चुका है इसमें, दो दो कैसे हो सकते हैं फ्लेम डेविल? मैंने इसका माइंड रीड कर लिया, जाट और रियल फ्लेम डेविल ने मिलकर एक नई बॉडी में एंट्री ले ली है, अब एक रियल फ्लेम डेविल बचा है, वो भी डबल पावर्स के साथ,
बस अब एक उसको मारना है हमको। अरे मुझे भी पावर्स दे दो फिर, दोनों मिलकर हरा देंगे उसको। दूंगा दूंगा, पर अभी नहीं, टाइम आने पर। तुझे भी तेरे नेक्स्ट लेवल का बनाएंगे ना, काला जी गैंगस्टर 2.0। एवलांचे दोस्त, मैंने तेरी बहुत हेल्प की है, अब तेरी बारी है मेरी हेल्प करने की। मुझे भी पावर्स चाहिए, मुझे भी पावर्स दे दे यार, यहाँ सबके पास पावर्स आ चुकी है, मैं बचाऊँ बस। तू अकेला नहीं, काला भी तो बचा है। और तू रुक जा थोड़ा दिन, तेरे को फेरो लेवल 5 से सीधा लेवल 7 कर दूंगा। आखिरकार तू सबसे पुराना एक सूट और सभी एक सूट का गार्ड जो है, तेरे को सबसे पावरफुल बना देंगे बाबा जी। क्या बाबा जी, वो बनाएंगे क्या मुझे नेक्स्ट लेवल का? यार तू ही पावर्स दे देना थोड़ी बहुत मुझे, उन्हीं से काम चला लूंगा मैं तो। उससे पहले लेकिन तुझे दिखाना पड़ेगा कि तू अपग्रेड होने के लिए काबिल है या नहीं। जा जाकर वो लोग दिख रहे हैं ना उधर 2-3, उनको मार कर दिखा मुझे। और एक बारी में ही सबको ख़त्म करना है। पावर दूंगा तुमको एक बार यूज़ करने के लिए, ध्यान रखना बस एक ही बार यूज़ कर सकते हो तुम, और वहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ना वो सब मर जाना चाहिए उधर। ठीक है चलो, ये भी दिखाई देता हूँ तुमको तो मुझे पावर्स। अरे अरे सुनो तुम तीनों, यहाँ आना एक बार, तीनों ना एक बार लाइन में खड़े हो जाओ, एक सरप्राइज दूंगा तुम तीनों को जिससे तुम माला माल हो जाओगे, कसम से बोल रहा हूँ। लाइन में खड़े हो रहो बस एक बार। मज़ा नहीं आया यार, तुझे अभी बाबा जी की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, टेंशन मत ले। बाबा जी अब एक्स सूट गैंग में ही है, सब एक्स सूट्स को उनकी तरफ करके उनको पावरफुल बना देंगे बहुत ज़्यादा, और फिर BGMI को ही ख़त्म कर देंगे, और फिर यहाँ हम लोग बनाएंगे अपना एक्स सूट वर्ल्ड जो सिर्फ हमारा होगा, अपना खुद का डिज़ाइन किया हुआ एक्स सूट वर्ल्ड। वाह यार ये तो बड़ा मस्त प्लान है, चल फिर मुझे बाबा से मिलवा, मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी पावर चाहिए अब, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। बाय। हाँ चला जा, केव के पास ही मिलेंगे बाबा जी, अपने आप ही मिल जाएंगे तेरे को वहाँ जाते ही, आगे का मैं देख लूँगा, टेंशन नॉट। बाय बाय टाटा। महाराज आपकी बेटी को इन महल में नहीं है, सुबह जब खाना देने गए उसके रूम में तो वो रूम खाली था, हमने फिर पूरा कैसल ढूंढा वो कहीं भी नहीं मिली। क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ढूंढो सब मिलकर, सभी सिपाहियों को लगा दो, वीकेंड का एक एक कोना चान मारो, कोई भी एरिया बचना नहीं चाहिए, ढूंढो सब मिलकर, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और जल्दी से गब्बर टेरर को भेजो यहाँ, जाओ जल्दी। जी महाराज क्या हुआ, सब में ऐसे भागदड़ क्यों मची है यहाँ कैसल में, क्या हो गया ऐसा? बेटा क्वीन को देखा क्या तुमने, तुम्हारे साथ ही थी ना वो? महाराज जी मैं और गब्बर तो काफी घंटों से पीछे वाला गेट पर बैठा थे सेनापति के साथ, उससे पहले क्वीन अपने रूम में थी, पर हुआ क्या ये तो बताओ, कहाँ है क्वीन? क्वीन कैसल में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई वो। क्या ऐसा कैसे हो गया, कहीं उस एवलांचे ने तो नहीं किडनैप कर लिया क्वीन को? नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, चल गबर अभी चलते हैं उसके पास, कहाँ मिलेगा वो, ढूंढ कर मारेंगे उसको। नहीं बाहर मत जाओ जब तक कोई खबर नहीं मिलती, यहाँ सब सेफ है, बाहर तुमको कुछ कर ना दे वो लोग। कैसे बाप हो यार, बेटी घर से गायब है और खुद यहाँ बैठे हो और ऑर्डर मार रहे हो, मैं उससे प्यार करता था, आपको यहाँ रहना है तो रहो, मैं चला उसे ढूंढने, चल गब्बर भाई। बात तो सही है, सेफ रखकर करेंगे भी क्या, जिसने हमें सेफ रखने के लिए ये सब किया वही गायब हो गई यहाँ से। बेटा मैं तुमको कुछ होने नहीं दूंगा, आ रहा हूँ मैं तुम्हें ढूंढने।
महाराज जी रुको, आप कहाँ जा रहे हो? क्वीन को ढूंढने तो टेरर गया है, आप और मैं एक साथ कैसल चलते हैं। वापस चलो, अपने आप ले आएगा वो क्वीन को। नहीं, मेरी बेटी को मैं खुद ढूंढ लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जाओ, तुमको जाना है तो। अरे आपको नहीं पता क्या? क्या क्या नहीं पता मुझे? आपकी बेटी मिल गई, अभी अभी टेरर लेने गया है उसको, तभी तो मैं कह रहा हूँ वापस चलो। मेरी बात कराओ फोन करके टेरर से, अभी हमसे बात कराओ मेरी बेटी की जल्दी, वो ठीक तो है ना दोनों? बात करके क्या ही कर लोगे, मिलवा ही देता हूँ आपको उससे। आपकी बेटी को भी हमने ऊपर पहुंचा दिया है और अब आपको भी वहीं पहुंचा रहे हैं। रेस्ट इन पीस चाचा डीके बोस। सो हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर नए हो तो। और बस यही था, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना और कौन सा करेक्टर आपका सबसे फेवरेट है, आपको क्या लगता है आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, तो ये सब कमेंट करके सजेशन वगैरह दे दिया करो भाई, मजा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय टाटा, थोड़े बहुत ब्लॉपर्स देख लो और वीडियो में आना है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो।